किनारा ढाबा एक फैमिली प्लेस है और मैं चाहता हूँ मैं मेरा बर्थडे अच्छे से फैमिली के साथ बिताऊं। और क्या कहना चाहेंगे, आज क्या प्लान किया आपने, किस तरह से बर्थडे, कल भी आपने केक काटा, आज भी केक काट रहे, कितनी खुशी मिल रही है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और कोई दूसरे इंसान का भी बर्थडे है तो वो खुशी होता है। तो मम्मी पापा ने किस तरह से सेलिब्रेट करने का मौका दिया आपको? मम्मी पापा ने बहुत सेलिब्रेट किया। बर्थडे पार्टी में आपका यहाँ पे आज बहुत धमाल होने वाला है, मेरी बर्थडे पार्टी है आज और बहुत सारे मीडिया भी है और आज हम बहुत धमाल करेंगे। दोस्त कौन कौन से आए आपके? ऐसे दोस्त मेरे बहुत सारे दोस्त है। नाम लेना चाहेंगे? मेरे सभी क्लोज फ्रेंड है, जिसका नाम लूंगा सभी आ जाएंगे। ऐसा नहीं छोटा जिसको मिस कर रहे हो? सब आ गया। शम्स, आप अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो, आपका शो भी टेलीकास्ट हो चुका है, सीजन 2 भी आ रहा है, कितना खुशी महसूस कर रहे हो आप? सेलिब्रिटी, हर सेलिब्रिटी को बहुत खुशी होती है और मेरा दूसरा सीजन है और मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मैं ऐसे सीजन बनाते रहूँगा। और अभी हम लोग का नवा प्रोजेक्ट आने वाला है, हाईजैक टैलेंट शो। तो क्या है उसमें, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो तो एक सरप्राइज है, वो आपको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग आए हैं? मेरे जितने भी फैमिली वाले थे सब आए। आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले आज किसने विश किया आपको? मुझे मेरे मम्मी डैडी ने और मेरे सिस्टर्स ने सबसे पहले विश किया। कोई खास गिफ्ट मिला है आज को? हाँ, जो आप बता रहे सेकेंड सीजन आने वाला है, क्या कुछ अलग होगा फर्स्ट सीजन से? सेकेंड सीजन से बहुत कुछ अलग होगा, हम लोग कुछ चीजें निकालेंगे और शो को बहुत अच्छा बनाएंगे। किस तरह से तैयारी इस शो की? शो की तैयारी अभी थोड़े टाइम में चालू होने वाली है और देखेंगे अभी क्या होता है। नए लोग, नए टैलेंट रहेंगे जैसे गली बॉयज के, वैसे नए रहेंगे कि पुराने? अभी तो नए लोग आएंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत सारी जगह से आएंगे।
अगर कोई पुराना कंटेस्टेंट इसमें उतरना चाहे तो कैसे उतरेगा ये? और अभी अगर कोई पुराने कंटेस्टेंट को उतरना रहेगा तो उसे अगर एक बार वापस ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर ही उतर सकता है वापिस। सर्जरी किया जाए आप फैमिली का, जिससे पहले केक काटा गया जी, तो कैसा लगा यहाँ पे आके सर्जरी करके? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। बहुत बर्थडे है और कल से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू केक काट रहे हैं, तो दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी की और दिन भर में आप लोगों ने शम्स को क्या क्या सरप्राइज दिए? सरप्राइज तो शम्स को बहुत सारे मिले हैं और दिन भर बर्थडे की तैयारियाँ चलती रही। कल रात को भी बर्थडे था उनका, अभी भी है और कल भी है। अच्छा कल भी है? हाँ कल उनके क्लब में। ओके, तो अभी आपका एक नया शो आने वाला है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो भी एक शम्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था आपकी आप लोगों की तरफ से। जी शम्स के लिए वो गिफ्ट दिया है हमने, अब वो शो अगर शम्स आगे करके देखेंगे उसमें पता चलेगा कि शम्स को कितना आगे हमें उसमें खुशियाँ दे सकते हैं। थैंक यू। शो में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं और सीजन टू की तैयारी जो है वो हमारी बहन कर रही हैं, उसके लिए अभी बस हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ में लोकेशन देखने, इसके बाद उसकी तैयारी बहुत जल्दी से जल्दी वो शो आ जाएगा सामने। सुना फिनाले इसका लखनऊ में होगा? जी जी फिनाले लखनऊ में। कंटेस्ट लोग जाएंगे और क्या होगा वहाँ पर? जी वहाँ पर सारा खर्चा तो वहाँ पर स्पॉन्सर दे रहे हैं हमें और यहाँ से खाली हम लोग जाएंगे। तो ऑडिशन ऑडिशन कभी से स्टार्ट होने वाला? बस अब हाँ इसी महीने की एंडिंग से। नए कंटेस्टेंट के कुछ विनर विनर प्राइज वाइज रखा है? जी वो सब सरप्राइज है, वो सब बाद में वहीं पता चलेगा। तो आते ही पहले ही दे दी, फिर वापस दूंगी। तुम बहुत बड़े अच्छे एक्टर बनो, बहुत नाम कमाओ, बहुत बड़े बन जाओ। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अगेन। सब तो फ्यूचर में हो जाएगा। कैसा लग रहा है किनारा में सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये ढाबा, हमको मालूम है। शम से बहुत